हमारे स्टूडेंट लोग सब फोटोग्राफी में बिजी हैं। यहाँ आने से पहले सर मैं बिल्कुल चाय के बारे में जीरो था, यानी कि मुझे चाय का 1% जो कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले 6 दिनों में जो जानकारी आपने हमें दिया है चाय को लेकर के, ऐसा लगता है कि मुझे चाय का संपूर्ण ज्ञान हो चुका। तो ये इस टूर में एक मिरिक का झील भी हम लोग देख लिए। अभी हम गुम्फा आ चुके हैं। हाय बुद्धम शरणम गच्छामि। तो ये जो आप एरिया जो देख रहे हैं अनपूर्ण है, तो दार्जिलिंग में प्लकिंग करेंगे मैक्सिमम यहाँ तक, नहीं तो इतना ही। तो दोनों की वैरायटी अलग अलग है, ये सब चाय के बीज हैं। तो मोरलेस आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया सर, बहुत ज़बरदस्त रहा। काफ़ी सारा चीज़ जो है क्लियर हुआ है, जो माइंड में जो है क्वेश्चन मार्क बना हुआ था। ये हवाएं, ये वादियाँ, ये प्यारे से पहाड़, मुझसे रहा नहीं गया, ऐसा लग रहा था मानो मुझे बुला रहे हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ चाय गुरु, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल चाय गुरु पे। तो ऐसा है कि आज अपने कुछ जो ट्रेनी हैं, जो ट्रेनिंग के लिए आए थे मेरे पास, उनको लेकर के एक छोटा सा ट्रिप पे आया। लोग तो बहुत सारे थे लेकिन किसी कारण से ऐसा ऑर्गेनाइज हो नहीं पाया, तो हम 2-3 लोगों के साथ में इन पहाड़ों पे आ गए। कुछ चाय बागान के बारे में बताएंगे, कुछ दार्जिलिंग की चाय के बारे में समझाऊंगा, और ज़बरदस्त मज़ा आएगा। आप देख पा रहे होंगे कितनी प्यारी सी वादियाँ हैं और यहाँ पे हवाएं भी ज़बरदस्त चल रही हैं, ठंडी ठंडी। तो यहाँ की जो मज़ा है ये किसी प्लेन में नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो लेवल है काफ़ी हाई लेवल का है, इसलिए तो दार्जिलिंग की चाय की बात ही अलग है। कोई हाई लेवल की चाय पिलाएंगे, सबको दिखाएंगे। तो मिस्टर एस शिवशंकर शिवराज, ये हमारे प्रिय शिष्य हैं, और शिवराज और इनके पार्टनर है ना शिवशंकर, शिवशंकर तो ये हमारे ग्रुप में है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्रुप में। और मिस्टर संदीप, संदीप मिश्रा, ये भी भाई ये लोग ट्रेनिंग लिए हैं फुल टाइम, तो छोटा सा इनकी प्रोग्राम थी। और मिस्टर ये विष्णु, विष्णु प्रताप राय, देखिए अब क्या है ना, 2 दिन में नाम भी याद रखना मुश्किल हो जाता है मुझे। एनीवे बहुत मज़ा आया, और हम लोग जो है ये जा रहे हैं पहाड़ों पे, कुछ बगान देखेंगे, और मेनली टिंगलिंग व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं, और वहाँ की बगानों का एक परीक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि क्या पोजिशन है, कैसी उसकी प्रोडक्शन आ रही है, सेकेंड फ्लस की क्या पोजिशन है, फर्स्ट फ्लस में पत्तियाँ कैसे आ रही हैं। तो मिस्टर विष्णु, संदीप और शिवराज, ये हम लोग 4 हैं, मुझे तो आप लोग जानते ही हैं, और साथ में ये जो कैमरा पर्सन है ये आपको देख के सरप्राइज होगी, मैं दिखा देता हूँ, ये हमारी वाइफ है। हेलो। और ये जो है ये भी चाय गुरु से कम नहीं है। तो अभी हम काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं, और ये एक टी जर्नी होगी जिसमें कुछ एजुकेशन होगा, कुछ फन होगा, मस्ती होगा, टी को एक्सप्लोर करेंगे। तो देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा क्लिप दिखा दूं गुवाबाड़ी टी स्टेट का। आप देखिए यहाँ पे गुवाबाड़ी टी स्टेट की मैं जूम कर रहा हूँ, उनकी फैक्ट्री आप देख पा रहे होंगे, ये फैक्ट्री है, और नीचे आप उनकी देखिए ये बस्ती वाला एरिया है। जूम पर थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, और पहाड़ों को देखें क्या ज़बरदस्त है। और थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ, अब देखिए ये नीचे से हम आ रहे हैं, ये बालासन रिवर है, और आगे जाएंगे तो सिलीगुड़ी आएगी, और एक प्यारा सा यहाँ पे एक मंदिर है शिव शंकर जी का मंदिर, और यहाँ पे हमने एक हाल्ट की रखी है, हाल्ट की है, उनका आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे मिलते हैं फिर। तो अभी हम फुगरी टी स्टेट आ चुके हैं, यहाँ के बगानों के बारे में भी समझेंगे। देखिए यहाँ पे सेकंड फ्लस तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, थोड़ी सी देखिए हमारे स्टूडेंट सब फोटोग्राफी कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, बगान का कुछ एक्सप्लोर करेंगे।
फर्स्ट क्लास की चाय निकल चुकी है या कहीं कहीं आने वाली है। ये सामने फुगरी टी शर्ट की फैक्ट्री दिख रही है। संडे है, फैक्ट्रियां बंद है आज। इन पहाड़ों पे प्लांटेशन देख सकते हैं। तो नॉर्मली सेकेंड फ्लस में ज़्यादा मज़ा आता है और ये चाइनीज़ बुशेस की प्लांटेशन की है ये। तो आप प्लांट देख सकते हैं कितना अभी हरा भरा हो चुका है मोरलेस। और ये अनपूर्ण सेक्शन है, इसमें पूर्णिंग वाली कोई सी नज़र नहीं आ रही है। और ये देवदार के पेड़, ये काफ़ी छोटा पेड़ है, बीच बीच में देवदार देख सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे रुकेंगे नहीं, अभी आगे एक पॉइंट है वहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, हाल्ट करेंगे, बगानों का हाल चाल जानेंगे क्या है क्या नहीं है। तो ये फुगरी टी स्टेट है, ठीक है शिवराज, ये फुगरी टी स्टेट है। ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं ये सारे अनपूर्ण है, ये पूर्णिंग नहीं की गई है। जब पूर्णिंग की गई होती तो ये काफ़ी डीप से काटी जाती, ठीक है ना। तो अभी इस पर भी पत्तियाँ आएंगी बट थोड़ा लेट आएगा। देखिए यहाँ पे दूसरी प्लांटेशन की पत्तियाँ आ गई हैं, मतलब ये बीच वाली क्या है, दूसरी वैरायटी है, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था आप दोनों को कि ये सारी अनपूर्ण सेक्शन है, यहाँ पे पूर्णिंग नहीं की गई है। और ये भी चाइनीज़ वैरायटी की पत्तियाँ नहीं है, थोड़ा सा क्रॉस है, मतलब कि क्लोन टाइप की हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग पूछते हैं वैरायटीज़ के बारे में। अब देखिए यहाँ पे आप ये प्लांट देखिए और इस प्लांट को देखिए, फ़र्क है जी, फ़र्क है ना। ये प्लांट ज़्यादा डीप हरी है, ठीक है ना, डीप ग्रीन। हाँ डीप ग्रीन है, डीप ग्रीन है। इधर से मैं दिखाता हूँ, ये प्लांट डीप ग्रीन है जबकि ये वाली लाइट ग्रीन है, ठीक है। बीच में भी एक प्लांट दूसरा आ गया है, वहाँ भी एक ऐसी सीन आ रहा है जी। तो ये क्या है, ये कैसा क्यों हुआ है? ये हुआ कि ऐसा है कि बीच में जो वैकेंसीज थी ना, ये दूसरे तरह का प्लांट लोग कर दिए, उपहचान नहीं पाए होंगे या किसी कारण से दूसरी प्लांट कर दिए। अब ये आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि चाय की भी वैरायटीज होती है, अलग अलग होती हैं, ठीक है। ये चाय के बीज हैं, ये पहले फूल होगा, फूल होने के बाद से क्या होगा, इसमें बीज आ जाएगा। पास में फैक्ट्री है, यहाँ पे दार्जिलिंग तरीके से चाय बनाई जाती है और फैक्ट्रियाँ जो है काफ़ी छोटी होती हैं। ये पहाड़ों के बीच में प्लांटेशन करना और यहाँ पे लोग रहते हैं, वर्कर्स होते हैं, इनके स्टाफ होते हैं, बस्ती होती है, हर तरीके का सारा व्यवस्था है और काफ़ी तकलीफ़ होती है लोगों को इस इंटीरियर एरिया में सारी व्यवस्था करना। ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है, वर्कर की शॉर्टेज हो जाती है, वर्कर्स नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर से हैं और सोच रहे हैं कि काफ़ी मज़ेदार जगह है, बहुत अच्छी लाइफ होगी, ऐसा नहीं है। इनकी लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग होती है, काफ़ी मतलब इसको दर्द भरा तो नहीं बोल सकते लेकिन बहुत मुश्किल लाइफ होती है। जिसकी हैबिट है वही कर पाता है, जिसकी आदत नहीं है वो तो बस एक दो दिन के लिए घूमने आएंगे और बस छुट्टियाँ मनाएंगे चले जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे आज संडे है, बगान बंद है और हमारे स्टूडेंट लोग सब फोटोग्राफी में बिजी हैं। तो सभी लोग बिजी हैं और अभी उनकी ट्रेनिंग सेशन चालू होगी, मैं बताऊंगा। ये छोटा सा एक रास्ते का क्लिप था, मैंने दिखा दिया आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, आगे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करेंगे इनकी सारी, जो प्लांट के बारे में बताऊंगा किस ढंग से कौन कौन सी वैरायटी की प्लांट होती है, प्लकिंग कैसे करते हैं, बांझी पत्तियां कौन सी है, सूट्स वाली पत्तियां कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी होती है, दार्जिलिंग का चाय का खासियत क्या है, बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा होगी। तो भाई ये टेक्निक व्यू पॉइंट है और यहाँ पे हम लोगों ने चाय की ब्रेक के लिए रुके हैं। चलो सीयर्स, तो ये एक मेमोरी रहेगी, एक टी ब्रेक है और आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं बगानों का नज़ारा, क्या ज़बरदस्त गार्डन है। हवा तो ज़बरदस्त चल रही है ना, मतलब एसी वगैरह सारा फेल है। और चाय भी देखिए, यहाँ की चाय भी बहुत प्यारी सी है, चाय भी बढ़िया है। तो ये जो पॉइंट है काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और टी एजुकेशन के लिए भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ
हम लोग चाय के बारे में समझेंगे, टी प्लांट के बारे में समझेंगे, बोर्निंग स्टाइल के बारे में समझेंगे, टी क्रॉप कैसी किस प्लांट पे आती है, कैसी पूर्ण स्टाइल की एरिया के हिसाब से चाय की पत्तियां कैसी आती हैं सब लोग देखेंगे। और उस मंदिर तक भी ट्रैक करेंगे, लास्ट टाइम भी आया था उधर का एरिया नेपाल है जैसा मैं बताया था पहले। तो आप इस यहाँ पे तो मतलब कुछ नहीं मन करता है, सोचा खड़े रहे और देखते रहे, हवा लेते रहे, है ना। बहुत अच्छा व्यू है। तो कैसा लगा, आप लोग अपने बारे में बताएं, शिवराज यू टेल फर्स्ट, नो कैरी ऑन कैरी ऑन, जस्ट टेल मी फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। कर्नाटका से आया है सर को ट्रेनिंग के लिए। बहुत जस्ट स्पीक। तो आप कर्नाटका से आया, बेंगलुरु से? बेंगलुरु से सर। तो आप ट्रेनिंग कैसा रहा यहाँ का? चाय गुरु से ट्रेनिंग लिया, बहुत अच्छा। इनको हिंदी कम आती है बट ही इज ट्राइंग टू स्पीक हिंदी। तो आप कन्नड़ में बोलिए, कैसा लगा? बड़ा चेनागिदे इल्ले ट्रेनिंग ಆಗಿರಬಹುದು ಬಂದಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಬಂದಿದ್ದು. ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಈಸ್ ಚಾಯ್ ಗುರು ಸರ್. ಓರ್ ಅಪ್ನ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಚಾಯ್ ಬಾರೆ ಬತಾಯಿ. ನಮ್ಮ ಟೀ ಕುಡೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ತೊಗೊಳೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಡಿ. थैंक यू। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, शायद आपको समझ में आएगी कि ये मालगुड़ी चाय क्या है। मालगुड़ी बहुत एक अच्छी फास्ट ग्रोइंग एक ब्रांड हो रही है बेंगलोर में, इनकी चाय की चैन स्टोर हो रही है, मतलब टी कैफे जैसा अच्छी क्वालिटी की चाय बनाते हैं। एक काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से रेसिपी तैयार किए हुए हैं, मैंने देखी है वीडियोज़। मैं जाऊँगा बेंगलोर, मिलूँगा उनके जितने भी फ्रेंचाइजी ऑनर्स हैं, इनके सिस्टम से रूबरू करूँगा। तो अभी बात करते हैं संदीप जी से। संदीप जी, आप बताएं कुछ अपने बारे में। जी सर, थैंक यू। मैं यूपी गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से? जी, गोरखपुर। तो मेरा नेटिव प्लेस है गोरखपुर। जी 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 सर। तो कैसा लगा ट्रेनिंग लेकर? ट्रेनिंग यहाँ आने से पहले सर मैं बिल्कुल चाय के बारे में जीरो था, यानी कि मुझे चाय का एक भी परसेंट कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन पिछले 6 दिनों में जो जानकारी आपने हमें दिया है चाय को लेकर के, ऐसा लगता है कि मुझे चाय का संपूर्ण ज्ञान हो चुका है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे सामने वैसे ही आप तारीफ कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैं आपके सामने तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाय का जैसे लग रहा है मुझे पूरा संपूर्ण ज्ञान हो चुका है। यानी कि चाय के बारे में मुझसे अगर कुछ पूछे, डीप नॉलेज लेना चाहे, तो मैं पूरा दे सकता हूँ उसको। अच्छा, अगर कोई व्यूअर चाहे कि वो ट्रेनिंग लेना चाहे, तो आप क्या रिकमेंड कर रहे हो, उन्हें ट्रेनिंग लेना चाहिए? जी, उन्हें अगर कोई किसी को भी चाय के बारे में कुछ मतलब वो सोचता है कि चाय के बारे में जाने, या चाय के लिए चाय का बिजनेस के बारे में सोच रहा है, तो सबसे पहले उसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और ट्रेनिंग लेकर ही उसके फिर आगे के लिए प्रोसेस करना चाहिए। तो जो ट्रेनिंग में हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट है, आपको क्या लगता है इसका पैसा वसूल बिजनेस मतलब ट्रेनिंग हो रही है? जी सर, पैसा वसूल है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संदीप जी से आपने बात किया, और अभी चाय के बारे में समझेंगे, यहाँ पे प्लांट के बारे में समझेंगे, छोटा सा एक टूर भी है, बहुत मज़ेदार टूर है और ज़बरदस्त होने वाला है। तो अभी विष्णु से बात करेंगे। विष्णु जी, बताइए आप कहाँ से आए हैं? जी सर, मैं यूपी से हूँ, मेरा नाम विष्णु है। सर के पास मैं आया, यहाँ पे आके जो है मैंने बहुत कुछ सीखा, यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो हुआ है, और यहाँ पे आप लोग भी आकर के यहाँ पे सीख सकते हैं सर से। सर के पास ज्ञान का सागर है, अथाह समुद्र है सर। ऐसी वैसी बात नहीं है, मेरी छोटी सी कोशिश है। जी सर, आप जो है आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ यहाँ पे आके, और आप लोग भी आइए, मैं ये रिकमेंड करूँगा सर को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ऐसी बातें कर रहे हैं, इससे मुझे उत्साह मिलता है, और मुझे और भी कुछ नई नई बातें सिखाने जानने की एक उत्साह आती है। और सच बताऊं तो मैं भी स्टडी कर रहा हूं, मैं भी पढ़ रहा हूं, चाय को बारीकी से समझने की कोशिश कर रहा हूं, और आप सबके सेवा में लगा हूं। मेरा यही कोशिश रहेगी सब समय। आप लोग आए यहां दार्जिलिंग के वादियों में घूमें, ट्रेनिंग ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, छोटी सी एक प्रोग्राम है एक टूर का, जहाँ पे टी बिजनेस के बारे में कुछ और डिटेल बताऊँगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग मिलेंगे फिर। तो आप इन वादियों को देख सकते हैं, और हमारे जो भी भाई लोग बाहर से आए हैं ट्रेनिंग के लिए, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मस्त हैं, और यहाँ का जो वातावरण है ये मंत्र मुग्ध करने वाला है। और बैकग्राउंड में आप चाय के बगान देख सकते हैं। आप कैसा लग रहा है चाय का बगान यहाँ का? बहुत ज़बरदस्त ना। तो देखिए कितना प्यारा सा बगान है। आज का वेदर थोड़ा सा काफ़ी शार्प धूप है, फिर भी
इतने धूप के बावजूद भी मौसम काफ़ी ज़बरदस्त है और बहुत प्यारा मौसम लग रहा है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ और भी पॉइंट देखना है और वहाँ भी चाय के बारे में समझेंगे। तो ट्रेनिंग पार्ट पे मैं ज़्यादा शूट करने वाला नहीं हूँ, जस्ट एक ट्रिप मौज मस्ती वाला है, एजुकेशन वाला है। और ये लोग तो बस अपने सेल्फी और फोटो लेने में मस्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये मिरिक का झील है, बहुत ज़बरदस्त है, कितना प्यारा सा नज़ारा है। तो ये इस टूर में एक मिरिक का झील भी हम लोग देख लिए, काफ़ी प्यारा सा नज़ारा है इसका। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। इन्वायरमेंट, मौसम बहुत अच्छा है, मौसम हवाएं बड़ी ठंडी ठंडी चल रही हैं और जो नज़ारा यहाँ का आ रहा है देखने में बहुत ही प्यारा दिख रहा है सर। सही, बहुत बढ़िया। अभी हम गुम्फा आ चुके हैं, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं सब बोले कि सर कुछ ऐसे जगह घूमे जो कुछ यादगार हो। तो ये कालिंपोंग का मिरिक का बहुत बड़ा गुम्फा है, तो यहाँ की बात ही अलग है। यहाँ जो वेदर है कैसा लग रहा है आप लोगों को? सुपर, एनर्जेटिक फीलिंग आ रहा है जबरदस्त। तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को, यहाँ का मौसम वेदर बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार है ना। इधर कहीं पे घूम सकते हैं और यहाँ से मिरिक लेक जो है जबरदस्त दिखता है और यहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन है बहुत ज़बरदस्त है। ये गुम्फा कितना प्यारा सा लगता है, इनका स्टाइल देखिए, इनका जो स्टाइल है काफ़ी ज़बरदस्त है। नीट एंड क्लीन, सारे जो मठ लोग हैं, बौद्धिस्ट जो अनुयायी होते हैं, मठ होते के जो जो क्या हॉस्टलर होते हैं जो रहते हैं यहाँ पे, उनके लिए सब ये बनाया हुआ है। और वो लोग सुबह शाम पूजा वजा करना, सिद्धि प्राप्त करना, सब पता नहीं क्या क्या सिस्टम है, मुझे पता नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। ये उनके हॉस्टल्स हैं सारे, सारे हॉस्टल्स हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। तो जो बौद्धिस्ट हैं इनके हॉस्टल्स में सारी व्यवस्थाएं होती हैं और काफ़ी सिंपल और सरल लाइफ व्यतीत करते हैं। इधर भी एक हॉस्टल है, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए क्या जबरदस्त है। वेदर काफ़ी चेंज हो गया है, जब हम लोग आ रहे थे कितना धूप था, अभी थोड़ा सा क्लाउडी है और ऐसा लग रहा है कि मतलब काश स्वेटर वगैरह होता है, आप तो स्वेटर लाई हैं। जैकेट चाहिए था। अब यहाँ से जो मिरिक लेक है, मिरिक लेक का काफ़ी मज़ेदार नज़ारा आता है, देखिए ये सारा मिरिक लेक है जहाँ से हम लोग आ रहे हैं अभी, ये लेक है। सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपना अपना फ़ोटो ले रहे हैं। अच्छा, ये बच्चों को देखिए, ये जो काफ़ी कम उम्र में ही शिक्षा प्राप्त करते हैं और ये जो बहुत बच्चे हैं जो काफ़ी कम उम्र में ही बौद्ध दीक्षा ले रहे हैं, ये प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं और काफ़ी देखिए चुनौतीपूर्ण जीवन होती है, शुरू से ही इनको तरह तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं। और इनका ड्रेस देखिए, आखिरकार तो है बच्चे ही, उधर भी दिख पा रहे होंगे, सारे हॉस्टल्स में पड़े हुए हैं बच्चे, इधर भी कुछ है। मैंने इस पवित्र चक्र को घुमाया, ये पवित्र चक्र जो है इससे काफ़ी सुख शांति समृद्धि आती है। बच्चे आ रहे हैं,
हाय इनके हॉस्टल्स हैं और यहाँ रहते हैं और देखिए इनकी कल्चर अलग है, काफ़ी त्यागपूर्ण जीवन होती है। कुछ यंग बौद्धिस्ट तो हाँ बस ऐसे ही थोड़ा सा। तो ये अभी बच्चे एजुकेशन लेंगे, जब बड़ा होगा तो उसका अपना इच्छा होगा कि वो लामा बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है। यही चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा। ठीक बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। अच्छा लगा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत बढ़िया प्लेस है। और ये मिरिक झील यहाँ से बहुत बढ़िया दिख रहा है, फंटास्टिक। तो हिंदी नहीं आती आपको? थोड़ा थोड़ा। और नेपाली ज़्यादा आता है? नेपाली थोड़ा। तो ये बच्चा लोग बड़ा होके क्या बनेगा? बच्चा लोग बड़ा हो गया अब घर में जाएगा। घर में जाएगा लम्बा पेट के तो बहुत अच्छा है। लम्बा भी बन सकता है तो एकदम साधु हो जाएगा, एकदम संसार से अलग हो जाएगा, मतलब सेवा करेगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो कैसा लग रहा है आप लोग यहाँ के बौद्ध मठ में आके? ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक देखिए बौद्ध धर्म का एक अलग ही महत्व है। और ये काफ़ी ये चीज़ें देखिए जैसे महात्मा गांधी का सोच था अहिंसा परमो धर्म, इस तरीके से यहाँ भी है। इवन एक मॉस्किटो भी नहीं मार सकते करके भगाते हैं जी। ये बिल्कुल एकदम अलग ही तरह का धर्म है, काफ़ी सिंपल सादगी। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, इनको एजुकेशन देना बहुत अच्छा लगा। चलिए तो ये सब देख पा रहे होंगे क्या जबरदस्त है, बच्चे डर के मारे भाग जाते हैं। तो मिस्टर शिवा हाउ आर यू फीलिंग? सुपर बट टुडे योर एनर्जी लेवल इज डाउन, व्हाई? बिकॉज ऑफ टुमारो फीलिंग्स गोइंग टू, बिकॉज यू आर गोइंग दैट्स व्हाई यू आर सैड, बट डोंट वरी। तो अभी चाय पी करके फिर निकलेंगे हम लोग, और नीचे जो चाय बागान है, चाय बागान के पुनी स्टाइल वगैरह कैसे क्या है और एक्सप्लोर करेंगे फिर हम लोग फिर सिलीगुड़ी। तो ये जो आप एरिया जो देख रहे हैं ये उरी एरिया अनपूर्ण है। अच्छा, चाय के जड़ों को देखिए, ये इसी को चाइनीज बुश बोलते हैं। देखिए चाय की जड़ें जो है नीचे से ही मतलब फैल चुकी हैं, है ना, और इनकी पत्तियां भी छोटी हैं, है ना। चाय की जड़ें अगर ठीक से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इनकी नीचे से ही फैल चुकी है, ये जड़ें जो है नीचे से ही फैल चुकी है ना। तो ये देखिए नीचे से, हाँ नीचे से फैल चुका है ना, तो मतलब कि एक स्टेम आएगा और चारों तरफ से फैल जाएगा, और इनकी हाइट होती है कम, तो अगर इसको पूर्ण कर दी जाए तो हाइट होगी कम। देखिए इसका सारे फर्स्ट प्लस की चाय हो चुका है, हाँ पूर्णिंग हो चुका है। देखिए ये फर्स्ट प्लस की जितने भी चाय पत्तियाँ हैं सब निकाल चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो जैसे भी किस कहीं पर भी देखिए पत्ती दिख रहा है यहाँ पर? ठीक है, कहीं पर नहीं दिख रहा है। तो नई पत्ती आएंगी, क्योंकि दार्जिलिंग में क्या है ना, फर्स्ट प्लस थोड़ा देर के लिए आता है निकल जाता है, और ये थोड़ा सा लोअर दार्जिलिंग के एरिया है, तो यहाँ पे जो पत्तियाँ हैं वो मतलब थोड़ी अर्ली आई हैं और कुछ कुछ जगह तो आई नहीं है, लेकिन अभी करीब एक डेढ़ महीना और चलेगा फर्स्ट प्लस। जब बरसात होगी तो फिर समर फ्लस और रेनी फ्लस चालू हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर का जो एरिया जो देख रहे हैं ये सारा क्या है, पूर्ण एरिया है। ठीक है, उधर भी जाएंगे, वो जब उस पहाड़ पे देखिए, उस पहाड़ पे भी सब क्या है कटा हुआ है ना, वह थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो उसको पूर्ण एरिया बोलते हैं। ठीक है,
मतलब सारा पूर्ण हो चुका है। हाँ, और वो जो इस पहाड़ के बाद से जो एरिया है सब नेपाल के एरिया है, उस साइड में नेपाल है। हाँ, मतलब ये पूरा इनका एरिया फैला हुआ है, ये चाय बागान का एरिया कम नहीं है, करीब 400 हेक्टेयर के आसपास है इनका एरिया, ठीक है ना। तो आइए दूसरा सेक्शन में चलते हैं। देखिए ये एरिया, इसके बुशेज यहाँ से साफ दिख रहे हैं जी। ये जो बुशेज है ये थोड़ा सा ये हाइब्रिड है, ये पूरा चाइनीज नहीं बोलेंगे, जो चाइनीज आएंगे ये इसी जगह से ये कई ब्रांचेज निकल जाएंगे जड़ से ही, मतलब कह सकते हैं सर इस तरह से दिखे। हाँ, इस तरीके से ऊपर बढ़ा। अब इसका पूर्ण साइकिल देखिए, एक बार यहाँ से काटा गया था, ठीक है, उसके बाद से थोड़ा ऊपर इस जगह से काटा गया होगा जी। तो ये डीप पूर्णिंग, लाइट पूर्णिंग, अब एक बार यहाँ से काटा गया और इस बार जो है लाइट स्किप, हाँ लाइट स्किप, देखिए यहाँ पे कटा हुआ दिख रहा है, ये सारी दिख रहा है ना यहाँ से काटा हुआ जी। तो लाइट स्किप किया गया है, जो कटा हुआ जो दिख रहा है, ठीक है। तो ये कई स्टेज में काटी जाती है, तो इसी ढंग से क्या है ना इसकी क्रॉप मेंटेन होती है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो यहाँ भी स्किप की गई है, हल्की फुल्की ऊपर से काटी गई है, इस वजह से यहाँ भी पत्तियाँ नहीं हैं, ठीक है। जबकि पूर्ण एरिया में अगर जाएंगे तो वहाँ पत्तियाँ जो है फ्रेश फ्रेश दिखाई देंगी, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कुछ पूर्ण एरिया मिलता है तो, ठीक है। ये सर लगता है कि इसकी पूर्णिंग अभी नहीं हुई है। हाँ देखिए, पूर्णिंग ये की गई है, पूर्णिंग के बाद से पत्तियाँ, ये इनकी वैरायटी अलग है। अब ये जो प्लांट जो देख रहे हैं, पूर्णिंग यहाँ भी की गई है, ये जो दिख रहा है ना जी, यहाँ से पूर्णिंग, इसी साल पूर्णिंग की गई है। ये पूर्णिंग करने के बाद से ये इतना ग्रोथ हुआ है। अब ग्रोथ होने के बाद से क्या है, जो लंबी पत्तियाँ ना हो जाए इसलिए यहाँ से तोड़ी गई है, ठीक है। मिस्टर शिवा, कम दिस साइड। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग प्री ब्लेंडिंग और पोस्ट ब्लेंडिंग की बात कर रहे थे, दिस इज द प्री ब्लेंडिंग, उनकी प्लांटेशन की अलग थी, अभी जो देखे थे चाइनीज बुशेज थी, ये बुशेज दूसरे हैं, इनकी पत्तियाँ भी बड़ी बड़ी हैं, ठीक है, पत्तियाँ भी बड़ी बड़ी हैं। और ये पूर्णिंग की जो है यहाँ से की गई थी और इतनी लंबी होगी, तो यहाँ से तोड़ने के बाद से क्या होगा, सेंटर आउट हो जाएगा। अब इसके बगल से जो है ये सब निकलेंगे, ठीक है। अब ये बांझी है, अपने पत्ती भी तोड़ लिया इतना, वाह वाह। दार्जिलिंग में ऐसी प्लकिंग नहीं होती है, ठीक है, दार्जिलिंग में ऐसी प्लकिंग नहीं होती, दार्जिलिंग में प्लकिंग करेंगे मैक्सिमम यहाँ तक और नहीं तो इतना ही, इतना ही। तो ये चूँकि इस एरिया को ग्रीन टी के लिए यूज़ करेंगे, दार्जिलिंग की बेस्ट टी में नहीं आएगी, ये क्रॉप बेस है और ये थोड़ा अलग आसामी का और चाइनीज़ का एक क्लोन हो सकता है या दूसरी वेराइटीज़ हो सकती है, ठीक है ना। अब ठीक इधर में आइए, दिखाता हूँ मैं, ठीक इसके बगल वाला सेक्शन में आते हैं, दिखाता हूँ, ये सारा पूर्ण किया हुआ है, सेकेंड फ्लस आया नहीं है, ये पत्तियाँ जो है इसको सेंटर आउट करेंगे, ठीक है। ये जहाँ जहाँ पत्तियाँ आ गई हैं जी, जहाँ जहाँ पत्तियाँ, सबको तोड़ेंगे लोग, इसको बड़ा नहीं होने देंगे, हाँ ये इसको तोड़ देंगे, छोटे छोटे यहाँ से तोड़ेंगे, नहीं नहीं वहाँ से नहीं तोड़ेंगे, छोटा ही तोड़ेंगे, बाकी फेंक देंगे, यहाँ से तोड़ेंगे, हाँ बाकी फेंक देंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी पत्तियों से चाय नहीं बनेगी, ऑर्थोडॉक्स तरीके से चाय बनती है। तो ये जो भी पत्तियाँ हैं, अब ये क्या है, मान लो कि यहाँ से तोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन अगर दिक्कत है तो यहाँ से सेंटर इसको फेंक देंगे, ठीक है। अच्छा, ये लेवल, ये जो पहला तोड़ा हुआ ना, इसी लेवल को मेंटेन करना है, ठीक है, ये गड़बड़ है तो इसको तोड़ के फेंक देंगे, इसको ले लेंगे, बाकी अगर लगता है लंबा है तो फेंक देंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे छोटी पत्तियों से ही चाय बनेगी, इसकी टेबल धीरे धीरे फैल जाएगी। आपका इधर का सेक्शन अलग है, अब देखिए, अब इसकी मैं दिखा रहा हूँ, मैं अब ये पत्तियों को मिलाइए और इस पत्तियों को मिलाइए, ठीक है। अब ये सारी जो पत्तियां हैं ये छोटी साइज की हैं, ये बड़ी बड़ी साइज की हैं, ठीक है, ये गहरा हरा रंग का है, थोड़ा लाइट हरा रंग का है, ये अलग है, सबकी अलग अलग वैरायटी है। यही तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि चाय के पौधों की बहुत सारी वैरायटीज है, बहुत सारी प्रजाति है, हर एक जाति प्रजाति का अलग अलग चाय बनता है। अब यहाँ भी आपको एक दिखने को मिल रहा होगा, एक बाद में कोई प्लांटिंग किए होंगे, देखिए अब इसकी वैरायटी अलग है, ठीक है, इसकी वैरायटी अलग है, दिख रहा नहीं, ये हरा दिख रहा है जी सर, और हाँ देखिए आसपास में, ठीक है, तो दोनों की वैरायटी अलग अलग है, ठीक है। तो यही सिस्टम को बोलते हैं प्री ब्लेंडिंग, बगानों में ही ब्लेंड कर देते हैं। अब किस मेरे को मिला, ये क्या है, ये फल, देखिए ये
ये सीड है, चाय का बीज है, ठीक है। और इसको जब अंदर इसको तोड़िए, अभी ये पका है या नहीं, ये एक्चुअली छोटा है अभी, ठीक है। ये एक सीजन, तो आप इसके अंदर से बीज निकलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। जब तोड़ेंगे तो इसके अंदर बीज निकलेगा। तो ये बीज का टाइम खत्म हो चुका है, विंटर में ज़्यादा आता है, ठीक है। यहाँ पे ये सब है, देखिए ये जो है ना, ये सारे हैं, ये चाय के बीज है। तो ये अभी बीज बाद में आपको ये आप रख सकते हैं, घर ले जा सकते हैं जी, ठीक है। ये ढंग से ये चाय के बीज देखिए, यहाँ पे देखिए बीज कितने हैं। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा इसमें है। अब ये देखिए चाय के सीड इसमें बड़े बड़े हैं, लेकिन ये पके हुए नहीं है सर। पके हुए नहीं है, इनसे भी चाय बन सकती है। दिखाइए कैमरा में, दिखाइए, देखिए ये सब चाय के बीज हैं। कैसे बनाएंगे सर इनसे चाय? भाई पकने के बाद से जमीन में लगा दीजिए, चाय पत्ती उग जाएगी। यहाँ पे आपके एरिया में नहीं होगी, इसको तोड़िए, इसको रख दीजिए यहाँ पे, इसको तोड़िए। बहुत ही टाइट है सर। हाँ, बहुत टाइट है। अब इसके अंदर से वो बीज निकलेगा, काला रंग का होगा, ये पका नहीं है अभी, ठीक है। अब ये जो है ना, ये व्हाइट जो दिख रहा है ना, देखिए यही पक के बीज होगी। अभी बन रहा है बीज, बन रहा है, अभी बना नहीं है, ठीक है। दिख रहा है ना, वही बीज है। जब ये पक जाएगा सर, तभी बीज तैयार हो जाएगा। हाँ देखिए, ये बीज, ये सीड है, ठीक है। ऊपर से कवर है, तो इसका भी मजा, अरे भाई इसको जब खाएंगे तो अलग ही बिटरनेस लगेगी, इसकी मजा ही अलग है, ठीक है। तो इस ढंग से इसको खाया भी जा सकता है, बस ले जाओ। मैं बोली के लिए भाई चाय का बीज लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को हर जगह देखने को नहीं मिलेंगी। इधर बड़ा बड़ा है। हाँ हाँ, देखिए ये बीज है। तो इस ढंग से ये सीड प्लांटेशन भी होती है। आजकल सीड प्लांटेशन ना के बराबर है, सीड प्लांटेशन कम करते हैं, ये क्लोन ज़्यादा करते हैं। इन पत्तों को ही इनकी कटिंग करके लगाते हैं, उनसे जो है पत्तियां हो जाती हैं, मतलब चाय के पौधे बन जाते हैं, ठीक है। तो कैसा रहा आज का टूर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सारी जानकारी मिली, बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिली। आज तक बीज नहीं देखा था हमने चाय का, बीज भी देखने को मिला और काफ़ी सारी चीज़ें जो है देखने को मिली, अलग अलग पौधे मिले देखने को और उनका जो है अलग अलग प्रभाव देखने को मिला सर। तो आपको दार्जिलिंग का टूर मोरलेस अच्छा रहा? दार्जिलिंग का जो एक एरिया दिखाया, दार्जिलिंग का जो बेसिकली ये मिरिक एरिया है, तो मिरिक एरिया में हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं चाय की तरह तरह के प्लांटेशन को हम लोग समझ रहे हैं। तो मोरलेस आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया सर, बहुत ज़बरदस्त रहा, काफ़ी सारा चीज़ जो है क्लियर हुआ है, जो माइंड में जो है क्वेश्चन मार्क बना हुआ था। हाँ, वो यहाँ पे आके मतलब क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। यस, तो जैसे कि प्री ब्लेंडिंग और पोस्ट ब्लेंडिंग की बात जो बता रहा था मैं, जी 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 सर, प्री ब्लेंडिंग और पोस्ट ब्लेंडिंग का अंतर समझ गए आप क्या है? जी जी सर, प्री ब्लेंडिंग और पोस्ट ब्लेंडिंग अब तक डाउट था। हाँ, कि प्री क्या होगा, पोस्ट क्या होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद जो आपने बताया, जो दिखाया आपने, कि डायरेक्ट आपने दिखा दिया कि ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। इन चीजों को देखने के बाद ये समझ में आ गया कि डायरेक्ट कैसे फैक्ट्री में जाकर प्री ब्लेंडिंग हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, दो तीन तरह के, चार पांच तरह के प्लांटेशन किए गए हैं। अलग अलग करने का मतलब ही है कि एक की लिकर है, एक की फ्लेवर है, किसी की कलर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेस्ट और फ्लेवर मिलती है हर प्लांट में। अब उसको जब एक साथ पत्तों को ले जा करके अगर चाय बनाई जाएगी, या अलग अलग ट्रफों में रह के चाय बनाई जाएगी, तो अल्टीमेट जब फैक्ट्री में चाय बनेगी तो उसका एक यूनिक सा टेस्ट होगा, एक अलग सा टेस्ट होगा, ठीक है। तो आई लव मालगुड़ी, मालगुड़ी चाय। तो हाउ यूर फीलिंग अबाउट द गार्डन? गुड एक्सपीरियंस सर, गुड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस। Plantation. So, have you seen ever the Darjeeling tea garden? No sir, first time. First time you are seeing. It's a good experience. Good experience. Okay. Thank you. And how was the people food out here? Superb. Veg is available now. Non veg also available now. But the food is totally is good. Tell me in your language, how is your experience out here? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. कुछ समझ में नहीं आया। तो कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे ऐसा ही बोल रहे हैं ना,
वाइफ के साथ आकर के इधर घूमने लायक है। ओ मतलब फैमिली के साथ आने से ज्यादा मजा आता है भाई। ये स्टूडेंट का एक स्टडी टूर है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी हम लोग काफी कुछ घूम लिए, देख लिए, अब ज्यादा हम लोग डिले नहीं करेंगे। तो हम संदीप हम लोग निकलते हैं फिर। ठीक है, तो सारा जो है चुन लिया इन्होंने। हाँ देखिए, पत्तियां पत्तियां बस ठीक है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखिए, अभी हम क्लोज करेंगे, तो मैं आप लोगों को फिर इसी जगह से मैं विदा लूंगा, आप लोगों को छोड़ दूंगा। और एक बार हमारे जो भी व्यूवर्स हैं अपना एक्सपीरियंस बोलिए, उनको टाटा बाय बाय बोलिए वन बाय वन। जी अभी हम लोग जो है सर से जो है विदा ले रहे हैं। अब हम यहाँ से अपने अपने जो है अलग अलग जाएंगे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को अगर चाय के बारे में कुछ भी नॉलेज चाहिए तो सर से ज़रूर आप जो है मिलें, क्योंकि अगर चाय के बारे में आपको जानना है तो सर से बेटर आपको कोई नहीं बता सकता, यहाँ पे आपको आना ही चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात ये आप लोगों के ऊपर में है। देखिए जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग के धरती पे आ गए हैं, बहुत कुछ है। देखिए इस स्टडी टूर में आपको एक तो बेसिक नॉलेज सारी चीज़ें तो मिलती है, प्लस वन डे का एक थोड़ा सा आउटिंग होता है, फन होता है, मस्ती होता है। चाय के बारे में समझते हैं, बागानों को देखते हैं, प्रोडक्शन देखते हैं, डिफरेंट टाइप की चाय टेस्ट करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो इसमें एक एक्सप्लोर भी हो जाता है और एक फैमिली रिलेशन भी डेवलप होती है। तो संदीप आप बताइए। जी सर, जो मेरा अनुभव रहा आपके साथ पिछले एक हफ्ते का, वो बिल्कुल एक जस्ट फैमिलियर कह सकते हैं, बिल्कुल परिवार की तरह मेरा अनुभव रहा। और मैं ये लास्ट में अंत में यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग भी चाय के बारे में यानी कि चाय के विषय में जानना चाहते हैं या चाय का बिजनेस करना चाहते हैं और जो चाय को कुछ सीखते हैं यानी कि जो चाय के बारे में जान भी रहे हैं, लेकिन जितना जानकारी सर हमको दे दिए हैं और जो सर जितनी जानकारी सर दे सकते हैं आप लोगों को, उतनी शायद कोई भी नहीं बताएगा आपको, क्योंकि सर अपना पूरा 100% देते हैं और वो चाहते हैं कि जित जो भी स्टूडेंट मेरे पास आए वो मुझसे पूरा का पूरा 100% सीख के जाए, ताकि उसे बाकी किसी और के साथ चीट ना हो सके, वो धोखा ना खा सके। तो मैं हर किसी से यही कहना चाहूँगा कि जो भी चाय के बारे में जानना चाहता है, जो भी चाय का बिजनेस करना चाहता है, वो एक बार और एक बार मेरे कहने पे, मेरे भरोसे पे चाय गुरु के पास जरूर आए और चाय गुरु से अपनी जानकारी को, अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए चाय गुरु के पास मिले और उनसे सीखने का प्रयास करे। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। बात ऐसा है, इन लोगों पर छोड़ दीजिए, ज़्यादा तारीफ करेंगे तो नहीं सर, बात तारीफ की नहीं, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना सराहा। और ये हमारे बेंगलोर से आए हुए हैं, ये इवन बता दूँ कि ये हमसे कंसल्टेंसी लास्ट 3 साल से ले रहे हैं, फिर भी ये मिस्टर शिवराज और इनके पार्टनर शिवशंकर नाम है ना उनका, तो ये दोनों आदमी ऑलरेडी 2-3 साल से कंसल्टेंसी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी पता नहीं क्या मन में आया, उन्होंने भी कोर्स किया और आप भी कोर्स करने आ गए। और आप जो भी फील किए हैं लास्टली आप बोल दीजिए, हिंदी इंग्लिश आपको अपनी लैंग्वेज में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने एरिया के लोगों के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं बोल दीजिए, चाय बागान के बारे में बोलना चाहते हैं बोल दीजिए। गुड टीचर एंड गुड गाइडलाइनर and good human being, down to earth person, is good knowledgeable also, is in tea industries. Thank you very much sir. Thank you, all the best, aap log badhiya se kaam kare. Aur isi jagah se aap log ko main drop karunga aur vidai lunga, aur aasha karta hu ki hum log jude rahe, theek hai, sabko tata bye bye kariye, zarur milenge video mein bane rehne ke liye, dekhne ke liye aap sabka bahut bahut dhanyawad. Ye इस तरीके का नॉर्मली वीडियो मैं लाता नहीं हूँ ना ही डालता हूँ, तो इन सब का रिक्वेस्ट था सर, हमारा भी एक्सपीरियंस शेयर करिए भाई। बाय गॉड मेरा कुछ इसमें ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि भाई चलो 2-3 लोग हैं तो क्या हुआ, अपनी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें, बताएं, और शायद आप लोग को इससे कुछ हेल्प मिले। तो अब इसी शब्दों के साथ आप सबसे विदा लूँगा, तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, चाय पियो, मस्त रहो।